हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद महविश। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग आए हैं वाटर गार्डन में। और हमारा वाटर गार्डन आने का मकसद ये था कि जो मेरा बड़ा बेटा है उसका बर्थडे था और उसको बर्थडे पे चाहिए था पेट। उसको पेट का शौक हो रहा था और पेट में वो कह रहा था कि मुझे फ़िश लेनी है। और उसकी कोई इतनी हाई फाई डिमांड नहीं थी। वो कह रहा था कि चाहे जस्ट मैं सिंपल केक काटूं, आप बेशक मेरी पार्टी ना करें, लेकिन मुझे एज ए पेट अगर आप फिश लेके देंगे तो आई विल बी हैप्पी। सो हम लोग उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए आ जाए हैं वाटर गार्डन में। और वो सबसे पहले एक्वेरियम चूज़ करेगा, एक छोटे से मीडियम से साइज़ का हम लोग एक्वेरियम लेंगे और उसके बाद जो है वो फ़िश चूज़ करेगा। तो चलें जी, आप भी हमारे साथ ज़रा फिश चूज़ करवाइए। अच्छा जी, बहुत ही खूबसूरत वाटर गार्डन था और बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत अल्लाह ताला की तख्लीक थी। बहुत ही प्यारी फ़िश थी और मुझे तो हर फिश ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, अब उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि सबसे पहले जो है एक हफ़्ता पहले हमें एक्वेरियम बाय करना है और फिर उसके बाद उसको घर जाके उसमें हीटर एक छोटा सा लगेगा और वो उसको हमने पानी डाल के सेट कर देना है। और पूरा वीक जो है उसका टेम्परेचर जो है वो सेट करना है। और फिर उसके बाद एक हफ़्ते के बाद आके हम लोग उसी जगह पे फिर फ़िश चूज़ कर सकते हैं। लाइक डायरेक्टली हम लोग एक्वेरियम में, ये नहीं हो सकता कि हम एक ही दिन में एक्वेरियम बाय करें और एक ही दिन में हम फ़िश जाके उसमें डाल दें, तो इस तरह से पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से हमने एक मीडियम से साइज़ का एक्वेरियम बाय किया और उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने ली। और उसके बाद अब एक हफ़्ता इंतज़ार करना था ताकि उसका जो टेम्परेचर है एक्वेरियम का वो सेट हो जाए। और जब वो सेटल हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से जाएंगे वाटर गार्डन में और दोबारा से फ़िश चूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो हमने एक्वेरियम के लिए प्लांट्स लिए थे और जो स्टफ़ लिया था वो हम लोगों ने प्यारा से करके उसको डेकोरेट किया। और ये मैंने आपके सामने ही सारे स्टेप्स आपको दिखाए हैं जब मेरे हस्बैंड कर रहे थे। और जब हमने पूरा जो एक्वेरियम सेट कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसमें जो है पानी नॉर्मल टेम्परेचर वाला वो उसमें ऐड किया। और उसके बाद हम लोगों ने एक्वेरियम को चला दिया और पूरा हफ़्ता हम लोगों ने एक्वेरियम को अंदर उसका हीटर जो है वो सेट करके तो हमने उसको चलाई रखा है पूरा हफ़्ता ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो सेटल हो जाए। टाइम हैज़ चेंज नाउ। जब हम छोटे थे तो हम लोग जो है एक्वेरियम में डायरेक्टली इसी तरह उसी दिन फ़िश बाय करके डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी अब ऐसे नहीं होता होगा। और अच्छी बात है, यहाँ पे फ़िश को कैसे रखना है उसकी प्रॉपर वो इंस्ट्रक्शंस भी आपको देते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मेरा मानना भी यही है कि या तो आप लोग पेट रखें ना, और अगर आप पेट रखें तो उसको आप प्रॉपर लुक आफ्टर भी करें। और यही बात मैंने अपने बच्चों को भी बताई है कि अगर अब आप पेट की आपने फरमाइश की है और आपने रखना है तो इसको प्रॉपर लुक आफ्टर भी आपने करना है। ये उसको इग्नोर नहीं करना, उसकी फूड टाइमिंग्स हर चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल। अच्छा जी, हम लोगों ने उसमें एक्वेरियम में हीटर सेट करके उसको एक हफ़्ता चलाई रखा है और उसका जब टेम्परेचर सेटल हो गया है तो अब हम वाटर गार्डन में दोबारा आए हैं ताकि बच्चे जो हैं अपनी पसंद की जो है वो फ़िश भी बाय कर सकें। तो लेकिन दोबारा से भी यकीन करें आने का बहुत ही मज़ा आया है और बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही नेचुरल आपको फ़ील होता है यहाँ पे आके। ऐसी जगहों पे आके इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है जहाँ पे इतनी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी होती है। तो चलें, आप भी आएँ हमारे साथ इंजॉय करें। लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो। ओके, आप लोग चूज़ करें। आपने मुझे बताना है आपने कौन सी लेनी है। ओके, सामने नेम भी लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड फिश। तैयार? ये है ना, ये लेनी है स्नान आपने।
अच्छा जी, पूरा वाटर गार्डन जो है वो घुमाने के बाद मेरे बच्चों ने फ़िश चूज़ कर ली हैं। 2 वाइट फ़िश चूज़ की हैं और 2 ऑरेंज फ़िश चूज़ की हैं। और जो सेल्स गर्ल है वो हमारी हमारे लिए जो है ना वो फ़िश मतलब पकड़ रही है नेट से ना, और ये जो 2 ऑरेंज हमने चूज़ की हैं वो उसमें डाल रही है, तो बैग में डाल रही है। वैसे जो है ना ये भी काफ़ी ट्रिकी काम है। जो ऑरेंज फिश थी वो तो जो थोड़े से बड़े साइज़ में थी वो तो उसने इजीली जो है वो कैच कर ली थी, कैचअप कर ली थी, लेकिन जो वाइट फिश थी वो बहुत ट्रिकी थी और बहुत ज़्यादा वो फास्ट थी, उसको पकड़ने में उसे टाइम लगे। ये ऑरेंज जो है दोनों जो जूस की थी ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, इनकी टेल जो है वो पीछे से थोड़ी सी टॉल टाइप थी, और ये बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट यूनिक फिश थी, और वो उसने कैचअप कर लिया। लेकिन जो वाइट फिश थी ना वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, उनको पकड़ने में उसे थोड़ा सा टाइम लगा। ये आप देख सकते हैं, तो फाइनली ये उसने कैचअप कर लिया। तो इस तरह से जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, उनके लिए बहुत ही एडवेंचरस टाइप जो है उनको बहुत एडवेंचरस फील हो रहा था और इन्जॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे पेट के लिए। फाइनली जो है उसने सारी फ़िश जो है वो हमारे लिए कैचअप कर ली, और उसके बाद हम लोगों ने उसने हमें पैक करके दी हैं, और हमने उसके पास उसके लिए फ़ूड बाय की है। और बहुत ज़्यादा मैं भी केयरफुल हो रही थी जब मैंने गाड़ी में शॉपिंग बैग रखे हैं कि कहीं पॉप ना हो जाए, क्योंकि शायान को भी टेंशन हो रही थी, बार बार कह रहा था मामा बी केयरफुल, फ़िश कांट लिव विदाउट वाटर। और बस चले जी, अब देखिए फाइनल स्टेप। You give them a bit more if it's once a day, and a little, you know, less if it's twice a day. Are you happy? There we go. I'll go and have with you now. Thank you. फूड डालते हैं, वेट करो। क्यूट है? कितने क्यूट है? बहुत। सारी बहुत प्यारी हैं। खा रही है? इस तरह से आपने फूड डाला करनी है, ओके? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? अब आपने लुक आफ्टर करना है इसे। ये छोटी व्हाइट वाली खा रही है। अच्छा, हम लोगों ने जैसे ही एक्वेरियम में फ़िश को डाला तो उसके बाद बच्चों ने फूड डाली है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फूड डालने के लिए, वेट ही नहीं कर रहे थे। तो एनी हो, जब फूड डाली है तो फिश ऐसे फूड खा रही थी जैसे बहुत ज़्यादा हंग्री होती हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे जब उनके सामने जो है वो फूड खा रही थी। तो इट वॉज़ गुड एक्सपीरियंस। अगर आप अपने बच्चों को पेट लेके देना चाहते हैं तो आई थिंक फ़िश बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि जो कैट और डॉग्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है।
यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है अब्रॉड में पेट्स रखने का। इसी वजह से मेरे बच्चों को फ्रेंड्स से सुन सुन के इनको भी आई थिंक शौक हुआ, और वैसे भी आई थिंक एज भी होती है जिसमें इंसान को शौक होता है पेट्स का। आर यू हैप्पी बॉयज? आवाज नहीं आई मुझे। यस यस अजान, आप हैप्पी हो? फिश आप लोगों से स्केरी हो रही है। व्हाइट वाला नहीं वाला, ऑरेंज वाली कितनी प्यारी लग रही है और व्हाइट वाली भी बहुत क्यूट है। व्हाइट वाली बहुत फास्ट है। फिनिश हो गया फूड। ऑरेंज वाली बहुत प्यारी है ना। क्या नेम्स रखने हैं आपने? ब्लैक टॉट का नाम है। जिस पे ब्लैक टॉट्स हैं उसका नेम क्या रखा है? टॉली, और दूसरे वाइट वाइट का नाम रखा है मारियो। अच्छा, एक का टॉली और दूसरे का मारियो। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू शियान, आपने क्या नेम्स रखने हैं? मैंने रखा है एस लॉन्ग, बहुत थोड़ा सा लॉन्ग टेल का नाम मुफासा। मुफासा, हाँ। और बहुत टेल लॉन्ग का रखा है। अब सोच रहे हो? सो सुप्राइज, सो हम आके नहीं आ रहा, उस वाले का नाम है टूस, और सो आके आ रहा है उस वाले का नाम है मुफासा। मुफासा, मुफासा कोई लायन। ओह, दे आर ईटिंग फूड। उनका तो लायन है। टॉम को खा लिया। नॉटी है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।